वेलकम टू रिलायबल वर्ल्ड। आई एम डॉक्टर अशोक कुमार, गोइंग टू एक्सप्लेन एन अनसीन पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन। डियर स्टूडेंट्स, इट इज आवर 14th अनसीन पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन नंबर 14। You have already practiced rest of the 13 comprehensions of the reliable world, and today we are going to introduce our 14th comprehension, means unseen passage number 14. With the help of this passage, I am glad to inform you that some rules and regulations how to solve unseen passages and how to get 100% marks in unseen passages, I am going to explain with the help of this passage. Because comprehensions are compulsory in all English examinations. One or two comprehensions are necessarily asked in all the examinations of Bihar Board, CBSE, ICSE, in all the examinations. One or two passages are asked, and even in competitive examinations as well, certainly some passages are asked. So if we get a full control over unseen passages, means if we understand the methods to tackle with unseen passages, then it will be very easy to acquire 100% marks in even English. As far as this passage number 14 is concerned, it is in reading section, and that's why first of all we have to read it thoroughly. So we are reading first of all this passage, and we are trying to understand, then we shall read questions and find out their answers. It's related to the experience of a boy. A boy is sitting on the bank of a small canal. And what happens to him? He describes. The narrator means, ek ladka hai narrator. The narrator says, I had been sitting on the bank of a small canal. To ek small canal ke tat par baitha hua ye ladka. Looking at a couple of herons fishing in muddy water. Yani, water was muddy. The water in the canal was muddy, full of mud. Aur usme a couple of herons, yani ek jodi bagula, jo hai machli ko marne ka, yani apna shikar karne ka prayas kar rahe hai. और ये लड़का इसी कपल ऑफ हेरोन्स को देख रहा है गौर से. व्हेन आई फेल्ट माई एल्बो नज्ड मीन्स ऐसा लगा जैसे कि इसका एल्बो यानी केवनी के पोर्शन में किसी ने धक्का दिया, धकिया रहा जैसे कोई. तो व्हेन आई फेल्ट माई एल्बो नज्ड यानी धकियाना. पार्टिकुलरली नाक की सहायता से मतलब पुश करना को नज कहा जाता है. तो नरेटर कहता है कि व्हेन आई फेल्ट माई एल्बो नज्ड, लुकिंग अराउंड, नरेटर चारों तरफ देखने का कोशिश किया कि कौन है. आई फाउंड एट माई साइड अ लिटिल गोट. तो नरेटर चारों तरफ जब देखता है तो क्या पाता है कि एक छोटी सी बकरी है, और वो बकरी ही नज कर रही है, यानी नाक की सहायता से नरेटर के एल्बो को पुश करने का प्रयास कर रही है.
जेट ब्लैक, यानी बिल्कुल स्याही रंग का काला, ये बकरी जो है स्याही रंग की काली है, जेट ब्लैक है, एंड सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम उसका बॉडी है, एज वॉल्वेट, तो वॉल्वेट की तरह उसका बॉडी मुलायम नर्म, विथ प्रिटी ग्रे आईज, इसकी आंखें भूरी कलर की है जो अत्यंत सुंदर है, प्रिटी। नीडर हर ओनर नॉर हर मदर वॉज अराउंड, यानी ये बकरी जो है बिल्कुल अकेली है, ना तो उसके कोई ओनर वहां पर है ना उस बकरी की मदर है। एज शी कंटिन्यूड टू नज मी, और ये छोटी सी बकरी जो है तो ये लगातार नज कर रही है नरेटर को, तो लिटिल गोट जो है लगातार नरेटर को अपने नाक से जो है धक्का देने का प्रयास कर रही है। कंटिन्यू टू नज मी, आई लुक्ड इन माई पॉकेट्स, नरेटर को ख्याल आया कि शायद ये कुछ खाने होने के लिए मांग रही है, दे देंगे तो ये खुश होकर के चली जाएगी। आई लुक्ड इन माई पॉकेट्स फॉर सम टिट बिट, टिट बिट यानी कुछ छोटा मोटा भोजन निवाला, कुछ चुरकुन भुरकुन खाने लायक, नरेटर खोजने लगा पॉकेट में कि शायद अगर होगा तो दे देंगे इस बकरी को, इस लिटिल गोट को, और वो उसके बाद ये चली जाएगी। इसलिए नरेटर कहता है आई लुक्ड इन माई पॉकेट्स फॉर सम टिट बिट एंड फाइंडिंग अ जिंजर बिस्किट, जिंजर यानी आदि, एक आदि का बिस्किट, जिंजर बिस्किट नरेटर को मिला पॉकेट में। हेल्ड इट आउट टू हर, नरेटर ने उस जिंजर बिस्किट को यानी आदि के बिस्किट को हेल्ड इट आउट यानी हाथ फैला करके उसको दिया खाने के लिए, तो होल्ड आउट मीन्स फैलाना, हाथ फैलाना, तो हाथ फैला करके उसको दिया ये जिंजर बिस्किट खाने के लिए। सी एट इट विथ प्लेजर, यानी काफी हंसी खुशी से ये लिटिल गोट जो है खा ली उस जिंजर के बिस्किट को। एंड देन सैट डाउन बिसाइड मी, और उसके बाद ये लिटिल गोट कहीं जाने के बजाय वहीं पर बैठ गई, बिसाइड मी एंड बिगेन निबलिंग एट द ग्रास, और वहीं बैठ करके घास के टुकड़े को जो है कुतरने लगी। नरेटर ने जैसा होप किया था कि ये लिटिल गोट कुछ खाने के बाद यहां से चल देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो वहीं बैठ करके आराम से घास कुतरने लगी। अ लिटिल लेटर आई गॉट अप टू लीव, कुछ देर के बाद नरेटर वहां से उठा और चलने लगा। द गोट रोज टू, बकरी भी खड़ी हो गई, और बकरी भी जब नरेटर के साथ खड़ी हो गई तो नरेटर को कुछ शक हुआ कि लगता है मेरे साथ ये भी जाना चाहती है क्या, और इसलिए नरेटर ने कहा गो होम आई सेड एज शी डांस्ड अराउंड मी, जो है नरेटर के चारों तरफ ये बकरी जो है डांस करने लगी, तब नरेटर ने उसको डांटते हुए कहा, प्यार से कहा, गो होम, घर जाओ। बट होम इट सीम्ड वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर बेड, नरेटर को ऐसा लगा कि जैसे इसका घर नदी के उस पार है। एंड शी फॉलोड मी टू इट्स बैंक, और इस प्रकार से बकरी जो है नरेटर के पीछे पीछे आने लगी। इट वॉज ऑब्वियस दैट हर थीन लेग्स वुड नॉट स्टैंड अप टू द करंट, अब जब नदी पार करने की बात है तो नरेटर को यह महसूस हुआ कि इसका पैर अभी बहुत कमजोर है और वो नदी की जलधारा को टॉलरेट नहीं कर पाएगी। सो आई टुक हर इन माई आर्म्स, और इसलिए नरेटर ने इस बकरी को बाहों में ले लिया। एंड कैरीड हर अक्रॉस द स्ट्रीम, और नदी के पार कर दिया उस बकरी को। When I set her down, जब नदी पार करने के बाद नरेटर ने उस बकरी को नीचे रखा, hoping she would now find her way home, तो नरेटर को आशा थी कि अब वो बकरी अपने घर की तरफ चल देगी। She remained beside me, लेकिन वो बकरी वहीं पर रही, नरेटर के अगल बगल में ही रही। Rubbing her warm body against my legs,
और वो बकरी क्या कर रही थी, अपने बॉडी को रब कर रही थी, यानी रगड़ने का प्रयास, रगड़ रही थी नरेटर के पैरों से, यानी वो बकरी नरेटर के प्रति प्यार दुलार आकर्षण दिखला रही थी। आई सेट आउट फॉर होम एट अ क्विक पेस। अब नरेटर ने तेजी से अपने घर की तरफ जाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि नरेटर को लगता था कि तेजी से जाएंगे तो बकरी अपने पीछे छूट जाएगी। फीलिंग श्योर दैट आई वुड सून लीव द यंग वन बिहाइंड, नरेटर को लगा कि तेजी से जाकर के मैं इस छोटी सी बकरी को पीछे छोड़ दूंगा। बट हर लेग्स वेर स्ट्रॉन्गर देन आई हैड सपोज्ड, लेकिन बकरी का पैर जितना नरेटर समझा था कमजोर, उतना कमजोर नहीं था। और सी केम अलोंग एट हॉप, यानी फुरकते हुए, हॉपिंग मीन्स जंपिंग, फुरकना। तो सी केम अलोंग एट हॉप, यानी फुरक करके, स्कीप यानी जंप करते हुए, स्कीप एंड अ जंप। तो इस तरह से हॉपिंग करते हुए, स्कीपिंग करते हुए और जंपिंग करते हुए, यानी फुरकते हुए, उछलते कूदते हुए वो बकरी भी नरेटर के पीछे पीछे आ गई। राइट अप टू द गेट ऑफ आवर हाउस, नरेटर के गेट के घर के गेट के पास तक वो बकरी भी नरेटर के साथ ही आ गई, कभी जंप करते हुए, कभी फुरकते हुए, कभी उछलते हुए। देयर वॉज नथिंग आई कुड डू बट कैरी हर इन फ्रॉम द गेट। अब नरेटर के पास कोई रास्ता नहीं था, और इस प्रकार से नरेटर ने उस बकरी को जो है अपने गेट के अंदर, यानी घर के अंदर ले गया। प्रेजेंट हर टू ग्रैंडफादर, और इस प्रकार से नरेटर ने इस बकरी को अपने ग्रैंडफादर को प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ग्रैंडफादर एक एनिमल लवर थे, और इस प्रकार से ग्रैंडफादर उस बकरी को अब पाल लेंगे अपने प्राइवेट जू में, अब इसको भी रखेंगे। तो नाउ वी हैव टू सी डिफरेंट क्वेश्चंस एंड वी शैल हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स। एज फार एज द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, इट हैज बीन आस्क्ड व्हाट डिड द बॉय फाउंड एट हिज साइड, यानी लड़का ने अपने बगल में क्या चीज पाया। तो ऑप्शन ए है पप्पी, रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी है लिटिल गोट, यस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर है लिटिल गोट, यानी ऑप्शन नंबर बी। ना क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड द बॉय फाउंड इन हिज पॉकेट, ये लड़का जो है उस बकरी को देने के लिए अपने पॉकेट में जब टिटबिट की तलाश कर रहा था तो क्या पाया। ऑप्शन ए है आ जिंजर बिस्किट, करेक्ट आंसर है, लड़का को एक जिंजर बिस्किट ही मिला था और उसने ये जिंजर बिस्किट यानी आदि का बिस्किट इस लिटिल गोट को खिलाया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डिड द बॉय सेड टू द गोट, यानी लड़का ने लिटिल गोट से क्या कहा जब वो खास करके चलने लगा घर की तरफ, तो लिटिल गोट से क्या कहा। ऑप्शन ए है कम विथ मी, रॉन्ग। ऑप्शन बी है गो होम, इट इज करेक्ट आंसर। इस लड़के ने कहा था उसको गो होम, कि अपने घर जाओ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थ्री का बी करेक्ट आंसर है गो होम। ना क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई डिड द बॉय टुक हर इन हिज आर्म्स एंड कैरीड हर अक्रॉस द स्ट्रीम। तो इसका आंसर है कि मतलब क्वेश्चन है कि लड़के ने इस लिटिल गोट को अपने आर्म्स में क्यों लिया और उसको नदी के पार क्यों किया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ही थॉट हर थीन लेग्स वुड नॉट स्टैंड अप टू द करेंट, क्योंकि लड़का को लगा कि इस लिटिल गोट का लेग्स जो है थीन है और वो रिवर के करंट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर है ए, बिकॉज ही थॉट हर थीन लेग्स वुड नॉट स्टैंड अप टू द करंट। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, हु डिड द बॉय
wanted to present the goat. Correct answer है grandfather. यानी five का correct answer है B, grandfather. With this I have finished this passage number 14 or comprehension number 14. Thank you for watching this unseen passage, and thank you for watching Reliable World. Dear students, once again I want to remind you that Reliable World is an educational channel, an online coaching institute, and so first of all subscribe it, and then press the bell icon so that its educational videos can easily reach up to you. Once again, thank you. Yeah.